दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आज उमरेड शहर में नगर परिषद द्वारा घर टैक्स सर्वेक्षण और भविष्य में होने वाले घर टैक्स रेट वृद्धि के चलते कांग्रेस की तरफ से उमरेड शहर में मोर्चा निकाला गया। मोर्चा के आयोजन कांग्रेस पदाधिकारी और कांग्रेस के पूर्व नगर सेवकों द्वारा किया गया। जनता के प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित करने हेतु शहर के भीसी नाका चौक से नगर परिषद कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। खास बात तो यह है कि कांग्रेस नगर सेवकों द्वारा जब इसका विरोध करना चाहिए था तब उन्होंने विरोध करने की बजाय सभागृह में समर्थन किया। अब इस बात पर जनता से संभ्रम निर्माण हो रहा है। ध्यान भटकाने के लिए मोर्चे का आयोजन किया गया है, ऐसे शहर में नागरिकों द्वारा चर्चा का आलम है। और इस विषय पर अधिक जानकारी हेतु नगर परिषद के पूर्व विरोधी पक्ष के गट नेता सुरेश चिचमलकर से हमारे प्रतिनिधि राहुल गुप्ता द्वारा संवाद की गई। देखिए ये रिपोर्ट। आज उमरेड शहर में नगर परिषद के खिलाफ में आज कांग्रेस का आंदोलन किया गया था। उस बीच में बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है विरोधी पक्ष के नेता सुरेश जी चिटमलकर, जिनसे ये बात करेंगे। आज उमरेड कांग्रेस कमेटी की ओर से जो पिछले 2020-21 में भारतीय जनता पार्टी का शासन था उमरेड नगर पालिका के अंदर, तो टैक्सेशन का शासन के द्वारा दिया आया था कि टैक्सेशन कैसी करते हैं। इसके पहले जो पद्धति थी, 1000 रुपये टैक्स है तो उसके ऊपर 10% यानी कम उसको बढ़ा के 1100 रुपये कर देना चाहिए। तो नगर पालिका एजेंसी करती थी उनके कर्मचारी, उन्होंने इस बार वो सत्ते का गैर फायदा लेके भारतीय जनता पार्टी ने ठहराव लेके वो ठहराव 27% बढ़ा दिया और एजेंसी को नया टेंडर दे दिया। यहाँ तक कि उमरेड शहर का एक साल का टैक्स ये 2.5 करोड़ रुपये, वो 2.5 करोड़ रुपये ही एजेंसी को मोजने के लिए दे दिए गए। यानी ये उमरेड के जनते के पैसे की लूट है। ये लूट के विरोध में जो भूदंडा उमरेड के जनते के ऊपर जो बैठ रहा है, इसके विरोध में आज कांग्रेस पक्ष की वजह से आज धड़क उमरेड प्रशासन नगर पालिका के ऊपर हमने लाया है। इसके पहले जब देखा गया तो सर्वसाधारण सभा में ये बैठक हुई थी और सर्वसाधारण सभा में जब हुआ ठहराव पास हुआ तो उसमें कहा गया कि सर्वमित अनुमति के सबके साथ में ये सहमत हुआ, तो ये बात में क्या कहना था? मेरा कहना ऐसा है कि मैं विरोधी पक्ष नेता और मेरे साथ में 6 नगर जो थे 7 लोग कांग्रेस पक्ष के सभागृह में थे, हमने इसका तीव्र और जोरदार विरोध किया सभागृह में। उसकी रिकॉर्डिंग अगर आपको लगती होगी तो आप निकाल सकते हो नगर पालिका से, उस रिकॉर्डिंग में हमारा जोरदार तीव्र प्रदर्शन और विरोध का दिखेगा। कांग्रेस के 6 नगर सेवक रहने के बाद में 6 नगर सेवकों के ना वहाँ से ठहराव में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं, जैसे आपने लिया भी होगा तो रिकॉर्ड में क्यों नहीं आया, वो ठहराव में क्यों नहीं आया? हाँ, वो हमारे साथ में जाती हुई है क्योंकि सत्ते में 20 लोगों के संख्या के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, हम लोग साथ देते थे। तो वो ठहराव में हर बार कहते कि हाथ ऊपर करके वोटिंग काउंटिंग करके वो 21-7 में ऐसा ठहराव पास कर दीजिए, इसलिए हम लोग वहाँ के बारे में आपकी शिकायत ये कर रहे थे सीओ के तरफ से कि आपका हमारा ऑपरेशन था, लेकिन जितनी में भी आपने ठहराव में वो बातचीत नहीं आई करके आपने इस बारे में कुछ बोला नहीं था। इसका विरोध भी किया, इसका मैंने पत्र भी दिया हूँ कि हमारी हर किडनी हम जो विरोध करते, इसके पहले हमारा किडनी में आता था लेकिन वो जालसाजी थी, एक उमरेड के जनते को लूटने की बात की करके वो विषय भी हमारा विरोध तक टिप्पणी में नहीं आने दिए भारतीय जनता पार्टी वालों ने। वह अध्यक्ष का पावर का गलत इस्तेमाल किया करके वो हमारा टिप्पणी में नहीं आया। एक बात ये भी थी कि वे जब एक साल पहले की बात थी तो तब कांग्रेस ने तब उस टाइम में आंदोलन करना था, उस टाइम में बात करना चाहिए था, उस टाइम में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, उस टाइम में क्यों नहीं किया गया? उस टाइम में जब तक वो ठहराव में पास किए उसके बाद में GR क्या लागू होता है, कितने परसेंट लागू होता है, बढ़ता कितना, इसका सब सर्वे करके आज जो हमको माहिती मिली तो इतना ज़्यादा परसेंट बढ़ गया है कि सहन करने वाली नहीं है जनता करके कांग्रेस हर बार उमरेड के जनता के सेवा में मैदान में उतरती है करके आज भी हम मैदान में उतरे और धड़क मोर्चा नगर पालिका नाटे के आज बदल मिला। सीओ साहब ने बोले कि हम लोग कलेक्टर को इस बात का आपका इंतजार करते हैं, कलेक्टर से बात होगी, इसके बाद में उसको क्या प्रशासन देता है। जैसा देखा 2.5 करोड़ रुपए के आसपास में इन्होंने एक संस्था के तरफ से उमरेड शहर में पूरा जो उनको चर्चा करने के लिए और उनको मोजमाप करने के लिए यह यंत्रण लगाई थी, आज इसका ग्राउंड में आप देखेंगे तो उसका काम भी चालू होगा। तो ये बराबर 2.5 करोड़ रुपए एकदम से पूजा जो है नगर परिषद का, ये जन सामान्य लोगों के बीच में से टैक्सेस का था, इस बारे में वो अगर जैसे कर्मचारी जैसा पहला करता था तो उस बारे में आपका एक्शन है क्या? कि उन्हें लेना चाहिए वो जो नियुक्ति का संस्था है जो लेबर किया था क्या नगर पालिका के अंदर टैक्स वसूल करने वाले बहुत ज़्यादा संख्या की
कर्मचारी है, हर एरिया डिपार्टमेंट ने बांटा हुआ है, हर प्रभाग बांटा हुआ है। अगर हर कर्मचारी उसी पगार में अगर वो सर्वे करता तो आज एक साल का जो टैक्स पूरे उमरेट शहर का होता है 2.5 करोड़, वो 2.5 करोड़ आज उमरेट के जनते की जेब से नहीं जाते और प्रशासन का भी फायदा होता है, इसमें भी गलत इस्तेमाल हो चुका है। तो मेरा तो कहना है कि ये एजेंसी रद्द करके उमरेट नगर पालिका के कर्मचारी करके, उसके पहले भी ऐसी होता था, उसी प्रकार से करना चाहिए। ये मेरा 2.5 करोड़ रुपये जो सिर्फ जो एजेंसी लगाई है संस्था की तरफ से मोजने की उमरेट शहर में, ये मोहब्बत है 2.5 करोड़ का जो आंकड़ा है आपके हिसाब से कितना तक होना चाहिए? इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ था लग रहा है? इसमें 100% का भ्रष्टाचार हुआ है। बाकी जिले के कुछ नगर पालिका की हमने माहिती निकाली है, उसमें एक घर का टैक्सेशन 300 से लेकर 500 रुपये तक कई मोजने का आता, यहाँ कैलकुलेशन निकाले मालमत्ता की टोटल तो उसमें 960 रुपये पर हाउस यानी ट्रिपल डबल का हाउस। मेरा आखिरी सवाल यह है कि यहाँ पे जब सर्वसाधारण समाज में जब अभी तक 6 लोग आपके नगर से बचते हैं और वो कितनी अगर आपके रिकॉर्ड में नहीं आई है, और आपका कहना है कि उस टाइम में हम लोग ने विरोध किए थे वो रिकॉर्ड में नहीं आने के वजह से आप प्रशासन के खिलाफ में अभी सख्ती से उमड़ोगे, क्या करोगे हम लोग? क्योंकि कैसा है उस बारे में अगर जो वहाँ पे हुआ ठहराव में कोई भी नगर सेवकों का ऑब्जेक्शन उस टाइम में नहीं था, आज लोगों में जमसंभ्रम हो रहा है और लोगों में अलग विचारधारा आ रही है कि इलेक्शन देखे तो इधर कोई फंडा तो नहीं है। मेरा माजी गठनेता करके कांग्रेस पक्ष का दावे के साथ में कहना है कि मेरे 7 नगरसेवक लोगों ने और मैंने जो विरोध किया उसकी जो कैसेट बनती है रिकॉर्डिंग, मैं माइकी के अधिकार में आज ही पत्र डालता हूँ, माइकी के अधिकार में उन रिकॉर्डिंग को मांगता हूँ। आपको जिस टाइम लगे कि चाइना वालों को, तो मैं वो रिकॉर्डिंग आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि हमने 100% जनता के लिए विरोध किया। नहीं, आपने विरोध किया था तो जब खराब होता नगर परिषद के तौर पर, जब विरोध आपने जब आपकी खराब की बाकी आप तक जब पहुँचाई थी, जब आपने उसको जब पूरे नगर सेवकों का विरोध था उसमें कांग्रेस का, तो वहाँ पे विरोध था उसमें रिकॉर्ड में नहीं लिया, तो आपने उस टाइम में सख्ती से बरता था, ऐसा मेरा कहना था। तो वो आपने उन्हें बोला था क्या? और उसके बावजूद अगर नहीं सुन रहे थे सीओ साहब तो तभी से आपने उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, उसके ऊपर कंप्लेंट करना था, ऐसे कुछ कार्रवाई हुई आपकी? कार्रवाई हम लोग जब ये खराब हुआ 21-22 में हमारी नगर पालिका डीजल हुई, आपने कहा खराब हुआ हमारा विरोध हुआ, कितने में गया करके हम लोग बाहर गए। बाहर जाने के बाद में जब 22 में हम लोगों ने जाने का कोशिश की, हम लोग खराब की काफ़ी देखेंगे, लेकिन 22 में हम लोग नगर पालिका डीजल हो गई करके उसके बाद जब प्रशासन बैठा तो हमको लगा कि हमारे विरोध में उतने परसेंट में नहीं होंगे करके हम लोग शांत बैठे, लेकिन आज जब रास्ते के मुद्दा है जब आज मोदी चालू थी तो हम लोग कांग्रेस पक्ष के विरोध में पहुंचा। ये थे सुरेश जी चिकमलकर, विरोधी पक्ष गठनेता, माजी नगर परिषद के तौर पर थे, और इनके साथ में आज उमरेट नगर परिषद के तौर पर पूरे कांग्रेसियों ने आज विरोध प्रदर्शन का आंदोलन किया। उनका ये कहना था कि अगर इसके बारे में भी अगर प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो सख्ती से उठ करके काम किया जाए। जी, नगर परिषद क्षेत्र की सभी प्रॉपर्टी जो है उनका हर 4 साल के अंदर में पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। इसमें 2017-18 से 2020-21 तक का मूल्यांकन था, उसके बाद कोरोना के चलते नगर परिषद क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं हुआ था। तो इस संदर्भ में दिनांक सर्वसाधारण सभा दिनांक 29/10/2021 ठराव क्रमांक 88 प्रमाणे जो ये विषय था वो सभागृह में आया था, उसमें ऐसा निर्णय हुआ था कि जो मूल्यांकन है 17-18 से लेकर 20-21 तक इसको मुदतवार दी जाए, और इसके बीच में नगर परिषद क्षेत्र की प्रॉपर्टी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त करे, और उस अभिकर्ता के चलते पुनर्मूल्यांकन हो, और वो पुनर्मूल्यांकन 2021-22 से 24-25 इस साल के लिए लगाया जाए, और इस ठराव के आधार से नगर परिषद प्रशासन की तरफ से एक अभिकर्ता नियुक्त हुआ है, और उस अभिकर्ता ने नगर परिषद उमरेट के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। ये जो ठहराव है वो सर्वानुमते मंजूर हुआ है, यानी इस ठहराव में सभी की मंजूरी थी उस टाइम पर, क्योंकि कुछ पार्षदों का कहना है कि हमारी वहाँ पे मंजूरी नहीं थी। नहीं सर, ये ठहराव एक्चुअली 29/10/21 का ठहराव है, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि ठहराव सर्वानुमते मंजूर है, और इसकी प्रोसीडिंग भी हमारे पास है। अगर उस टाइम पे किसी ने इसे मना किया होता तो इसमें लिखा हुआ होता कि उन्होंने मना किया है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ मैं राहुल गुप्ता, हमारा ज्वेलर्स सोने चांदी के 24 कैरेट 22 कैरेट हॉलमार्क गहनों के विक्रेता, जहां आपको मिलेंगी गहनों पर 100% की वापसी की गारंटी। हमारा पता श्री गणेश अपार्टमेंट, शॉप नंबर 1, गुरु प्रसाद नगर, जिंदल पब्लिक स्कूल के सामने, दत्तवाड़ी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सुधीर बैतूले से 9823864515।
1014 पर या कॉल करें 9011268353 पर।